देश भर में लाउडस्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा का मामला गर्माता ही जा रहा है। हर तरफ लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद अब शाही ईदगाह मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर भी हटा दिए गए हैं। इससे पहले 20 अप्रैल को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लगे लाउडस्पीकर उतारे गए थे। दरअसल भागवत भवन के ऊपर लगे लाउडस्पीकरों में भजन बजाए जाते थे। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज़ परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद में 3 लाउडस्पीकर लगे थे। शुक्रवार को शाही ईदगाह मस्जिद की देखभाल करने वाली कमेटी ने 2 लाउडस्पीकरों को उतरवा दिए। हालांकि 1 लाउडस्पीकर अभी भी लगा हुआ है। कमेटी के लोगों का तर्क है कि 1 लाउडस्पीकर की आवाज़ मस्जिद परिसर के बाहर नहीं जाएगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के भागवत मंदिर के शिखर पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता था। लाउडस्पीकर से आरती की गूंज के साथ मंदिर और आसपास के लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। शाही ईदगाह मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर से रोजाना 5 वक्त की होने वाली नमाज के लिए अजान की जाती थी। अजान के समय ही 60 से 90 सेकंड के लिए ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता था, लेकिन शुक्रवार को नमाज के समय होने वाली अजान पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।